अरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वो क्या कहते हैं, एथीज्म मसला नहीं है? वो और हाँ जी, वो कहते हैं हमें हमारा उनसे बेसिक इख्तलाफ है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर है। अगर अल्लाह प्रूफ हो गया, बाकी सारे सारे सवाल खत्म, यानी लॉजिक के जो भी सवाल एथियस्ट करते हैं। और अगर नहीं हुआ तो हमें उनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि अल्लाह है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लोगों को प्रूव करने की बात नहीं होती, याद रखिएगा, लोगों को प्रूव करके कुछ नहीं होना। सर मेरे ना एक्चुअली दो क्वेश्चन थे, और उसमें सबसे पहले जो सवाल वो ये है कि जो आपने एक वीडियो में जो बताया था कि जो ज़्यादा बड़ा मसला एथीज़म और साइंस का है, ठीक है, और ये जो फ़िरकावारियत है, यहाँ ये हमें तलाश करना कि फ़िरकों को छोड़ के हम जो है एक, यानी कि दीन को फॉलो करें, कुरान और हदीस को फॉलो करें। तो जब उनकी तरफ से मैंने ये आर्गुमेंट सुना, क्योंकि आपके ये जो सवाल, ये जो डॉक्टर आई ने उनसे भी सवाल पूछा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से, तो उन्होंने कहा कि जो ये मुसलमान है वो सही मुसलमान नहीं है, इस वजह से जो है ना ये बड़ा मसला है, ठीक है, क्योंकि जो मुसलमान को मुसलमान से खतरा है यार, क्योंकि लोग यानी एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, या गुस्ताखी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी इस तरह की प्रॉब्लम जो सारी हैं। तो इस लिहाज से आप यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा एक बार गाइड कर दें। और दूसरा बात ये है कि जो साइंस के, जो आपने कहा है कि हम अभी साइंस को जो ना उस पर तरक्की करें, तो उसके लिए क्या हमारा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हम अपने छोटे बच्चों को गाइड करें, साइंस की इल्म दें और उसमें आगे लेकर जाएं? ये दो क्वेश्चन। एथिज्म जो है ना वो ग्लोबल मसाइल है, ग्लोबल मसला है सबसे बड़ा, पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक बहुत बाद में इस मसले का शिकार होती है। उम्मत मुस्लिमा अपनी उम्मत के शनाख्त में तो है नहीं, हम तो अपने रूल सेट ही नहीं करते, सोचने के रूल्स बनते हैं ना, सोचने का एक आला होता है। समझा दो एथिज्म क्या है। एथिज्म एक सोच का नाम है, राइट। मजहब जो भी होता है, मजहब अपनी सबसे पहले सोच जो है ना वो बुनियाद में बिठाता है किसी भी इंसान की। सबसे पहले बिगर पिक्चर के अंदर नोड, बेस नोड क्या है आपकी, एथिज्म भी अपनी बेस नोट बिठाता है, कॉमन सेंस की बात है। हर हर मजहब जो है ना उसके साथ एक बुनियाद है ना सोचने की, कि बड़े सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या है, कि ओके हाउ इज ऑल ऑफ दिस यूनिवर्स हैपनिंग, राइट। नाउ उम्मत मुस्लिमा के ऊपर मैं पहले सबसे पहले आपको बता दूं, जब तक कोई भी एक कौम किसी भी बड़े टैग के बड़े छतरी के नीचे अपने आप को सेटल करती है, तो उस छतरी की हायरार्की होती है। मुसलमान इस वक्त अपने रूल्स खुद नहीं सेट करते सोचने के, यही तो कब से मैं कह रहा हूं सबको कि मुसलमानों को सबसे पहले इंडिपेंडेंट थिंकिंग अम्ब्रेला के अंदर आना पड़ेगा। जो सबसे ऊंची छतरी है ना सोचने की, जो भी बैनर सबसे ऊपर होगा, उस बैनर को रिप्रेजेंट करते हुए लोग बाकी सबको अपने ताबे कर चुके होंगे। तो इस वक्त दुनिया जितनी भी है वो साइंस के बैनर को सबसे ऊपर रखती है, ये किसी भी शक में नहीं हूं मैं, ना आपको भी होना चाहिए। जितने भी जज्बाती लोग ये कह रहे हो मुसलमान के, नहीं नहीं हम तो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ऊपर रखते हैं, तो उनकी जाहिरी जिंदगी के अंदर ही आप निशानियां देख लेंगे कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जो इस बात की का सबूत देती हो कि वो अल्लाह ताला के रसूलों को। गिने चुने मैं सैकड़ों में भी नहीं है सब मुसलमान, असली मुसलमान तो सैकड़ों में भी नहीं है दुनिया में, जो अपनी सोच को अल्लाह की उस अपनी सोच को सेंट्रलाइज कर चुका है अल्लाह रसूल से। सो और वो सोच को, मैं नीयत को और अपने मामलात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं द डीपर एस्पेक्ट ऑफ द थॉट, बहुत डीप एस्पेक्ट होता है आपकी थॉट किधर बिल्ड हुई है जाके, कॉन्शियस नहीं सब कॉन्शियस थॉट। तो मुसलमान तो इस वक्त उस सोच के ताबे हैं, जी यूरोपियन सोच है बस, हमारे 99% सारे मामला यूरोपियन है, तो आपने क्या सोच लिया कि सोच हमारी जो है वो यूरोपियन नहीं है, उसके ताबे नहीं है। जो भी मुसलमान स्कॉलर ये कह रहा हो ना कि नहीं नहीं मुसलमानों के ये मसाइल आपस में पहले तय हो जाए तो दुनिया पूरी मुसलमान हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। जब तक इस्लाम की ओरिजिनल सोच दुनिया की तमाम तर स्कैफोल्डिंग्स के ऊपर बाइसेक्ट करते हुए ऊपर नहीं जाती, इंटेलेक्चुअलिज्म का झंडा हमारे हाथ में नहीं आता, तब तक सोच बाकी की दुनिया की सोच हमारे ताबे नहीं होगी। जिसके पास वो है तो आपकी सोच उसके ताबे, वो वैलिडेटिंग अथॉरिटी होती है।
उधर कहीं जाके नकब लगी हुई है, ये लोगों को समझ नहीं आ रही। अगर यही मसला होता कि मुसलमान आपस में यकता हो जाएं तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, तो फिर क्रिश्चियंस के अंदर, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के अंदर भी एथिज्म का ही कीड़ा आके खा रहा है उनको, जूडाइज्म के अंदर भी, इसराइल के अंदर भी एथिस्टिक कीड़ा खा रहा है उनको, दुनिया के किसी भी और मजहब के अंदर जाए, हिंदू सबसे ज्यादा एथिस्ट होते हैं, स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूं मैं आपको ऑफिशियली, मोस्ट नंबर ऑफ कॉन्वर्ट्स फ्रॉम ए सिंगल रिलीजन इन टू एथिस्टिक फिलोसफी इज हिंदुइज्म। छोटा मजहब तो नहीं है पाई पॉपुलेशन, तो मुसलमान बरेलवी में देवबंदी, उसे हिंदुइज्म का क्या ताल्लुक है? एथिज्म तो हर जगह पे लग गया आके, इसका मतलब है कि देयर इज अ बिगर प्लेटफॉर्म ऑफ थॉट, जो नजर ही नहीं आ रहा है, इन लोगों को सोचने की ताकत होगी तो नजर आएगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये जो फिरका फिरका या फिर मामलात की समझ बूझ है, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। मामला चले फिर थोड़ा सा ऊपर का मामला है, मगर फिरका तो सबसे नीचे, गटर का सबसे निचला हिस्सा जो है ना, वो आपने बयान किया अभी, जो भी ये लोग बयान करते हैं, एक शिया सुन्नी हो जाए, सुन्नी शिया हो जाए, उसे हमसाए में जो क्रिश्चियंस बैठे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसी के घर के। सो अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट थिंकर्स, वी आर डिपेंडेंट थिंकर्स, वी बोरो द थॉट फ्रॉम सम पीपल, सम पीपल हु रिप्रेजेंट समथिंग स्पेसिफिक। वो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि वो क्या है। तो सर ये है जो कहानी जो मैं बार बार सुना रहा हूँ। बेटा एक सेकंड, मुझे ना असल में आपकी आवाज इतनी डिम हो चुकी है कि आप बार बार जो बात करें मुझे आवाज ही नहीं आ रही। मुझे लेट मी सी व्हाट माय व्हाट्स द प्रॉब्लम विद माय माय ऑडियो इज स्पेसिफिकली इन योर केस। अब आ रही आवाज बेटा? आपका वो नहीं है, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। मुझे ना बीच में इंटरप्शन हुई है मेरे सेल फोन की, तो जब इंटरप्शन होती है ना तो मेरे ऑडियो चैनल बदल जाता है। बहरहाल अच्छा, अभी जितनी आवाज आ रही है मैं गुजारा ही करूंगा, मुझे तो नहीं पता ठीक कैसे करनी है। So, ये क्लब हाउस का सेशन तो लंबा नहीं चल सकता बिकॉज आई लॉस्ट ऑडियो। रही बात आपके दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से की, वो आप दोबारा मुझे रिमाइंड कराएं, दूसरा सवाल आपने क्या किया था? सर वो साइंस के बारे में किया था कि साइंस को उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए ताकि हम उसमें जो लीड कर सकें पूरी वर्ल्ड के अंदर दुनिया। साइंस का, साइंस तो एक रिप्रेजेंटेटिव है ना वे ऑफ थिंकिंग। सो वी हैव अ वेरी बिग न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज कॉल्ड द कुरान। अगर हमारा बच्चा कुरान पाक के ऊपर एस्टेब्लिश है और उसको उसको ये बताया जा रहा है कि कुरान पाक को समझने के दो तीन तरीके हैं, एक तरीका ये भी है कि साइंस के थ्रू आप वैलिड, दुनिया साइंस को मान रही है ना, ये किसी को अगर शक है तो उसको पहले सोच एक पायदान बनाना पड़ेगा इस पर खड़े होकर। इस वक्त अमूमी इंसान साइंस के साइंटिस्ट को नबियों वाले दर्जे देता है, बल्कि खुदाओं वाले दर्जे भी देता है कई लोगों के। सो चूंकि साइंस के बैनर के अंदर ज्यादातर लोग जो है ना वो एथिस्टिक आवाज लगाते हैं या स्केप्टिक हो चुके हुए हैं, शक में पड़ गए हैं अपने उस बड़े ईमान के ऊपर कि दुनिया का असली निज़ाम अनदाता कौन है, जो असली निज़ाम चला रहा है, बड़ा निज़ाम कौन चला रहा है, कोई है भी के नहीं जिसने दुनिया बनाई थी। तो साइंस के अंदर से फिर प्राइमरीली एक बच्चे को साइंस में नहीं डालना चाहिए। साइंस के थ्रू बताते हैं कुरान कितना ठीक है, तो बहुत ही निचली इतनी बड़ी तस्वीर करेंगे आप इतनी बड़ी किताब की, कुरान के थ्रू पता चलना चाहिए कि साइंस ठीक है, साइंस के थ्रू नहीं पता चलना चाहिए कि कुरान ठीक है। सोचें सुपीरियर साइकोलॉजी कितनी बड़ी बनेगी मुसलमान बच्चे की अगर हम साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स को भी कुरान पाक के थ्रू वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ ये ठीक बात कर रहे हैं साइंटिस्ट, कुरान में भी है ऐसी ठीक है। अभी मैं जब भी कोई भी सूरह तकवीर की मैं उस दिन तफसीर की बात कर रहा था किसी वीडियो में और कुछ आयतें अभी शुरू हुई थी, तो क्या उसके तफसीर डॉक्यूमेंट्रीज क्या बनी उसके ऊपर, क्या रिएक्शन आए कि साइंस जो है ना साइंस के थ्रू आपको साइंस से ज्यादा ही प्यार। मैंने तो साइंस की तारीफ और साइंस की कोताहियां एक ही वक्त में बताता हूँ। कुरान पाक ने कुछ और कहा हो, साइंस ने कुछ और कहा हो, तो मैं तो ही कहता हूँ यहाँ पे साइंस अभी नहीं पहुंची अभी तक। ये लोग साइंस के अपने खुद पुजारी हैं, अपनी सोच की अक्कासी कर देते हैं कि जब वो तनकीद कर रहे होते हैं किसी ऐसी बात पे जो मैं कुरान पाक के थ्रू बता रहा होता हूँ कि कुरान पाक में सूरह कहफ में साइंस के कितने सारे मुजाहरे हैं। तो साइंस एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है
अच्छी बात है, पहुंच जाए तो समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आ रही साइंटिस्ट को तो कोई बात नहीं, इनको वक्त लगेगा समझ आ जाएगी। अब मुसलमान जितना भी है साइंटिस्ट के आगे जाता है तो साइंस के अंदर से कुरान प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है, लानत है ऐसे मुसलमान पे कि जो साइंस के थ्रू कुरान प्रूव कर रहा हो, कुरान अल्लाह ने प्रूव कर दिया हुआ बस, कि कोई न्यूटन की कोई लॉ नहीं है कि जो 50 कैम्ब्रिज के प्रोफेसर मिलकर बताएंगे कि हाँ जी ये थ्योरी को लॉ में कन्वर्ट कर देंगे, अल्लाह ने बता दिया है लॉ है बस। अब जितना मर्जी आप क्रिटिकल थिंकिंग की क्लासेस लें आपको पता चल जाएगा कि बाई द एंड ऑफ द डे बड़े बड़े सूरमा एंड में आके हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, जादू का एक तलिस्माती किस्म का मजहब बनाया हुआ एथीज़म का, कि बस पहले कुछ नहीं था अचानक टुक करके कोई एक पहला एटम बन गया खुद ही, इसका जवाब दे दो बस बाकी मैं बातें बाद में करूंगा। कही तुम इतना बड़ा जादू का मजहब तुमने निकाल लिया कि बगैर किसी की चीज के अचानक एक पहला एटम बना दिया तुमने, ये कौन सी साइंस है? फिर अपने आप को साइंटिस्ट भी कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों। तो अभी तो मैं खाली बेस की बात बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आके किसी भी बड़े बड़े देहरियों से पूछे, ये 3000 साल की पुराने देहरियों ने भी यही जवाब दिया सर कि हाँ वो पता चल जाएगा बाद में, बाकी सब चीजें तो पता चल रही, बाकी सब चीजों की क्या औकात है जब आपको ये आप जादू के मजहब पे मानते हैं कि आपका आपका अपना पेडेस्टल ही कोई नहीं खड़े होने का, बाकी की चीजें तो कोई भी कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट्स जब भी कोई एथिस्टिक सोच आए ना तो वो इसको ये सोचे कि डेरिवेटिव्स के अंदर एथिस्ट हो गए होते हैं सारे, और हैं भी ऐसी ऐसी दो रुपए की बातें कर रहे होते हैं, ये एवोल्यूशन की थ्योरी चाटने की बातें कर रहे होते हैं और पता पुता कुछ है नहीं एवोल्यूशन की थ्योरी का, डार्विन को समझते हैं कि इज द ओरिजिनेटर ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन इट्स एसेंस हजारों साल से चलती हुई आ रही, आपको अगर फलसफे का अलिफ भी पता है ना तो आपको पता होगा कि डार्विन तो बहुत बाद में पैदा हुआ है, उससे पहले ग्रीक मिथोलॉजी के प्रोफेसर्स जिस किस तरीके से एवोल्यूशन को डिफाइन करते थे, इवन रोमेनियंस रोमन कैसे डिफाइन करते, इवन इंडियंस तक ने इसके सबूत दिए हैं। सो इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम। दो किताबें बायोलॉजी की पढ़ी है, चौथी आपने डार्विन की किताब या फिर वीडियो यूट्यूब पर देखी, अपने आपको प्रोफेसर समझ लिया, फिलोसफी का पता ही कोई नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े 30 मार खान अपनी अपनी साइंस से लागे जा चुके हैं और बड़े बड़े काम की बातें भी किया कुछ लोगों ने, एटलीस्ट कोशिश कर रहे थे सोचने की। ये रिप्रोड्यूसर्स ऑफ थॉट डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ सम कॉलेज के लाउड स्पीकर्स अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करें तो इट्स ओके, लेट देम डू दैट। द बिगर प्रॉब्लम दैट आई एक्चुअली फेस इज दैट मुस्लिम्स एक्चुअली थिंक के सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुरान पाक से बहुत प्यार है उनको तो वो समझ लें कि वो इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, ऐसे नहीं होगा। कुरान पाक को समझना पड़ेगा और सबसे पहले सोच मुरतब करनी पड़ेगी, कुरान पाक वो सोच के ऊपर आके बैठता है, वरना तो हर घर में मुसलमानों के कुरान है, रोज कुरान पढ़ते हैं, थिंकर तो नहीं कहीं प्रोड्यूस होते। तरीका है पहले सोच बनानी पड़ती है, सोच बुननी पड़ती है, तब कुरान पाक कहीं समझ आता है जाकर। ये और सर इसमें थोड़ी सी जो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि एथीज़म को मैं क्यों किस जड़ से पकड़ के बता रहा हूँ कि ये हर जगह से दीमक की तरह खा रहा है, किस किस जगह पे आप एथीस्ट हैं लोगों को पता ही नहीं है। बहरहाल क्वेश्चन सर एक इसमें ऐड करना चाहूंगा, बेटा मैं ये रूम दोबारा शुरू करूंगा या फिर मैं कोई ऑडियो का कुछ सेटअप करता हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं आवाज आनी किसी की, ठीक है? तो मुझे ये पता है कि आप कुछ कह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि क्या कह रहे हैं। सो आई होप आई आंसर्ड द बिगर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। लेट मी साहिल भाई आप रूम लीक कौन ऑन, जैसे बीच में कॉल आ गई थी ना उसकी वजह से ऐसे ही हुआ। होल्ड ऑन लेट मी ट्राई एंड फिक्स दिस, कैसे करते हैं, कहाँ पे हूँ, क्लब हाउस पे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, वो क्या कहते हैं एथीज़म मसला नहीं है वो, और हाँ जी वो कहते हैं हमें हमारा उनसे बेसिक इख्तलाफ है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर है, अगर अल्लाह प्रूफ हो गया बाकी सारे सवाल खत्म, यानी लॉजिक के जो भी सवाल एथियस्ट करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो हमें उनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि अल्लाह है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लोगों को प्रूव करने की बात नहीं होती, याद रखिएगा लोगों को प्रूव करके कुछ नहीं होना, देयर इज अ सर्टेन क्लास जो कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल डिक्लेयर कर चुकी हुई है, उस क्लास को जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटेलेक्चुअलिज्म में या इंटेलेक्चुअल डिक्लेयर किया जाता है उस क्लास में एंटर होना मुसलमानों का जरूरी है,
मुसलमान तो जिस तरीके से जिस पैराए में बात करता है उसको तो चाहिए माइक्रोफोन उसे ले लिया जाए, मुसलमानों को चाहिए तू ना बात किया कर आगे, तो निकाल देना चाहिए ऐसे 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 हाउसेस से जहां पे वो जो हो रहा है ना इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, आपको देखें तो सही ना बच्चों वाले आर्ग्यूमेंट्स, सार्केस्टिक कमेंट्स, सार्केस्टिक रिप्लाईज, मुसलमानों को तो तमीज ही नहीं है बात करने की, देखें तो सही ना अपने आप, हम मुसलमान है ना, हमें पता होना चाहिए अपनी कोताहियों, जिस तरीके से मुसलमानों की आपसी डिबेट है और जिस तरीके से इस वक्त साइंस के इन अंदाताओं की डिबेट है, जरा फर्क तो चेक करें किस तरीके से वो लोग बात करते हैं, there is a certain mannerism through which you actually create certain grammar this through which you create an appeal for the regular mass. वो आप मुसलमानों की हर प्रोडक्ट को फॉल्टी समझते हैं तो आप सोच क्यों समझ रहे हैं हमारी सोच सुपीरियर, हमारी सोच भी फॉल्टी है, let's admit the core reality ना कि हम लोगों ने अपने आप को खुद डिस्क्वालीफाई करवाया हुआ है ऐसे ऐसे सतही किस्म की बातें और ऐसी ऐसी डिमीन करने वाली हरकतें इनकी। तो और बच्चों वाले कमेंट्स, फिर ऐसा ही होगा, फिर जैसा हो कुछ हो रहा है फिर आम बच्चा भाग जाता है कि भैया ये तो इस तरह तो काम नहीं होगा, और फिर अगलों को तो बात करने की तमीज है ना, उनको तो ये भी पता है कि कौन सी जगह पे फैलेसीज सामने नजर आनी है, फिर इमोशनल कहां पे होना कहां नहीं होना। सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स, ये लोग कहीं और जा रहे हैं, बहुत नीचे की सोच में, नीचे के मसाइल में। आप देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ ना, शराब खाने में बैठ के ये नहीं कह सकते सर मुझे कुछ झूठा ग्लास ना देना, मुझे साफ ग्लास दे देना। भैया तुम जिस जगह पे बैठे हो आपको फर्क नहीं पड़ता ग्लास साफ है या झूठा है, गंदा या साफ है, डजंट मैटर, यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस, डजंट मैटर हाउ यू कैरी योर सेल्फ इन दैट प्लेस। ओके, सो ये कहानी है कि बस वो ओवरऑल बिगर पिक्चर के अंदर बड़ा मसला है वो कोई देख ही नहीं रहा, अंदर बैठ के बस मीम मेखे निकाल रहे हैं कि उसने बेहतर तरीके से बात कर दी आर्ग्यूमेंट, और ऊपर से क्या क्या लगा रहे हैं बैठ के अगले बंदे की तस्दीक कर रहे हैं। तो ये तो एथिस्ट करें तो मुझे समझ आती है उनको, तो कहीं के मुझे नहीं पता कि उनको कौन सा शैतान आगे काटता है कि लोगों की तस्दीक भी करते हैं। बहरहाल आप देखें तो सही, मुसलमान स्कॉलर जब भी किसी इंटेलेक्चुअल डिबेट के अंदर आता है तो वो ऐसे लगता है जैसे कि आग के अंगारों में बैठा हुआ है, उसका गुस्सा नहीं कंट्रोल होता, नहीं तो गुस्सा नहीं कंट्रोल होता तो और फिर वो वाली बातें कर रहा था कि जो उसके उस्ताद ने उसको सिखा दी थी वही रिपीट उसको करता। आप एग्जाम्पल ले लें, मैं दूर कहाँ जा रहे हैं, जाकिर नायक की एग्जाम्पल ले लें, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस मैन, आई लव द गाय, आई लव द एफर्ट, अल्लाह कबूल कर, अल्लाह जन्नत के बड़े दर्जात में डाले, बट सच एन एपिडर्मल लेवल ऑफ रिप्लाइज टू दोस पीपल, यू नो इट्स लाइक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी ना उस डिबेट उस एक्यूमेंट को डिस्क्वालीफाई कर चुके होते हैं, मगर वो चल रही है अभी तक, वो ऐसे लगता है कि एट्थ ग्रेड के बच्चों के लिए वो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम हियर, देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी बेटर सॉल्व, यू नीड टू क्रिएट एन इंटेलेक्चुअल अपील, देन यू गॉट बी सिंपली सोफिस्टिकेटेड। ये एक रूल होते हैं कि बात बड़ी सिंपल की जाए मगर सोफिस्टिकेशन ना तोड़ी जाए, क्योंकि सोफिस्टिकेशन इज द कोर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। हमारा बंदा ना सिंपल होता है ना सोफिस्टिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बातें करता है और ताई को यू नो अनसोफिस्टिकेटेड तरीके से। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the appearance of the argument, I'm talking about the make of the argument. I hope you guys understand what I'm talking about. When I say sophisticated, it means it has to be intricate enough to appeal to the mind of an intellectual. Okay? ये एक लंबी बहस हो जाएगी, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ इस वक्त। बहरहाल मुसलमान दाई अन अपीलिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन करता है तो इसलिए फिर यू नो उसको वो वाले पायदान मिल ही नहीं रहे, ना वो डेप्थ में गया हुआ है। कुरान पाक की अपनी बातें हैं। मैं एक दफा एक फैसलाबाद में एक बंदे को एक अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस सुना रहा था, यानी सर ये तो शियों की हदीस है ना, नहीं बाहर पहली बात तो ये हदीस शियों की नहीं है, अहले हदीस स्कॉलर्स ने वैलिडेट और वेट की हुई है, मगर अगर शियों की भी हदीस हो तो शायद 1400 साल पहले की ना, 1400 साल पहले
इस लेवल की इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंटेशन हो रही थी, वो शिया और सुन्नियों से फर्क नहीं पड़ता इस वक्त, मेरा तो मेरा मामला कुछ और है, मैं बहस ही कोई और कर रहा हूँ, और आपने शिया को साथ दिया बीच में कि शियों की हदीस है। बेकाबल अखबार की मैंने एक हदीस कोट की, उन्होंने कहा ये तो रावी बड़ा वीक था, इसको तो मशहूर था कि ये इसराइलियात लेके आता है ना, सर आवाज थिंकिंग किया ये क्या बातें कर रहे हो। मैंने कब कहा कि वो बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ वो बंदा ये वाली बात क्यों कह रहा है, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स। सोचे कितनी सतही और निचली सतह की सोच है कि वो फंसे हुए हैं कि वो बस किसी तरीके से ये साबित कर दें कि मैं ठीक हूं, डजंट मैटर कि तुम ठीक हो या गलत हो भाई, और मैटर इज इसका सोचने का तरीका किसका बदला है। सो इतने कोई बंद हुए हुए कुएं हैं ना ये सारे, एक कुआं एक चीज होती है, एक बंद हो गया वो कुआं कि बिल्कुल ही बस रॉटन, तो वो फिर आजकल का बच्चा तो एक्सपोज है ब्रायन ग्रीन यू नो डॉकिंस एंड हॉकिंस का, वो कहता है यार तुम लोगों को तो बस पतली गलियों में ही फिरते रहते हो, बड़े बड़े समंदर है यहाँ पे, लोग बड़ी बड़ी रेल मछलियां गुजार रहे हैं, तुम लोगों को अपनी गली नहीं अभी तक कॉन्कर कर सके। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी ऑल शुड सॉल्व एंड बेटर सॉल्व। ठीक है, सो लेट मी टेक लास्ट क्वेश्चन, इसीलिए ना छोटा सवाल नहीं पूछ, मैं तो